sir, wait, Anantha. Wait. Anantha. Very, very interesting topic. I think a topic which has influenced all of our lives in the most drastic way, I can say. So I'm really looking forward to watch what we all have been through. सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मधुर जी की फिल्म है एंड हम लोग ट्रैफिक सिग्नल से देखते आ रहे हैं कि कुछ ना कुछ अलग होता है, बहुत रियलिस्टिक होती है एंड आई फील कि आई बिलीव कि ये फिल्म में भी बहुत कुछ रियल है और मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी आना है, प्रतीक है, तो आई एम श्योर कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा और हमने ये फेज बहुत देखा हुआ था लॉकडाउन का, तो हम लोग इसके जरिए हैं. आई थिंक मधु सर की हर फिल्म में सबसे बड़ी बात होती है रिलेटेबिलिटी. ऐसा टॉपिक होता है जिससे आम जनता रिलेट कर पाती है, आम जनता की डेली जिंदगी से जुड़ी जद्दोजहद दिखाते हैं. तो आई होप इस फिल्म में भी वही देखने को मिलेगा. लॉर्ड सभी कली सलाम बेंकी का रिलीज़ हुआ है गाना जुबिन के साथ, जो मिथुन जी ने कंपोज किया है, और बहुत सारा प्यार मिल रहा है.
हाँ जी बोलिए गॉड हैज बीन काइंड दर्शक लोगों की दरिया दिली है ये साल वाकई बहुत अच्छा रहा कश्मीर फाइल्स कार्तिके टू ऊंचाई और अभी 22 दिसंबर को तमिल फिल्म आ रही है कनेक्ट जो मुझे पूरी उम्मीद है बहुत अच्छी जाएगी अभी वो रहा नहीं वो ज़माना कि खास किस्म की फिल्में चलेंगी या फॉर्मूला फिल्में चलेंगी सबसे बड़ी कामयाबी सिनेमा जगत की हिंदी सिनेमा जगत की ये है कि एक 65 ईयर ओल्ड जिसने 532 फिल्में की हैं उसकी 3 फिल्में बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर हो सकती हैं तो ये और बहुत सारे लोगों को प्रेरणात्मक होगा उनके लिए बट अकेले मेरी फिल्म नहीं है बहुत सारे मेरे सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स टेक्नीशियंस उन सबका मुझे अच्छा लगा है एंड इट्स फैंटास्टिक मधुर मेरे वन ऑफ माई फेवरेट डायरेक्टर्स हैं और इंडिया लॉकडाउन जो नाम से ही लगता है कि कुछ एक खास फिल्म होगी आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई श्वेता भी है उसमें श्वेता इज़ अ वेरी फाइन एक्ट्रेस एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि पिक्चर बहुत अच्छी होगी जो इंसान माफ़ी मांग ले उसको माफ़ कर देना चाहिए हाँ ऑफ कोर्स पिक्चर ने 350 करोड़ का बिजनेस किया है लोगों के दिलों में समा गई है लोगों को इतनी अच्छी लगी है कश्मीर की जो प्रॉब्लम 32 साल से लोगों ने छुपाई थी वो पूरे विश्व को पता लग गई है अब एक इंसान की टिप्पणी पर इतना ज़्यादा क्या परेशान है मैंने बताया कि कनेक्ट जो है वो आ रही है तमिल फिल्म उसके बाद मैंने द सिग्नेचर हमारी कंपनी ने प्रोड्यूस की है और गजेंद्र अहिरे ने उनको डायरेक्ट किया है और कागज़ 2 है कंगना जी की फिल्म है एमरजेंसी और 2-3 फिल्में और इस तरह की और हैं भाई Thank
थैंक यू। बिल्कुल, जैसे उन्होंने बबली बाउंस बनाई थी, बहुत ही अलग फिल्म बनाई थी। इंडियन लॉकडाउन लाइक काफ़ी लोग वाकिफ़ हैं कि कितनी मुश्किलों से हमें गुजरना पड़ा था, ये उसका एक जीता जाता एग्जांपल है। एंड आई एम श्योर उन्होंने एक ब्यूटीफुल फिल्म बनाई हुई, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट विजनरी वी हैव इन द इंडस्ट्री। एंड जस्ट लाइक बबली बाउंस जो हिट हो चुकी है उनकी, आई विश कि ये भी हिट हो जाए। एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बहुत ही अलग अलग तरीके की कहानियाँ हैं इसमें है, और अलग अलग एज ग्रुप के लिए है। एंड अमित ने बहुत ही अच्छा काम किया है। आई एम रियली हैप्पी कि एक और उसकी फिल्म इतनी जल्दी आ गई उनकी, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मेरी म्यूज़िक वीडियो आ रही है दूरियाँ, जिसमें दो इट्स अ रोमांटिक म्यूज़िक वीडियो। एंड आई एम रियली हैप्पी कि हमने वी शॉट इन शिमला, इट्स अ वेरी डिफरेंट प्लेस वेयर वी शॉट, इट्स बीन शॉट इन अ वेरी नाइस वे। थैंक यू। प्रतीक भाई इधर लेफ्ट में। ओके ओके ओके।
कुछ घंटे बाकी है क्योंकि चंद घंटों में फिल्म रिलीज होगी Z5 पर और आई कांट वेट टू गो इनसाइड एक्चुअली. वो बहुत ही रियलिस्टिक रॉ फिल्में बनाते हैं लेकिन उनकी पर्सनालिटी बिल्कुल अलग है. ही इज़ द मोस्ट जॉली पर्सन ऑन सेट. वो सबको साथ में लेके चलते हैं. वो बहुत बड़े फूडी हैं और वो बहुत बड़े प्रैंकस्टर भी हैं. तो बहुत ही अलग पर्सनालिटी है. जिस तरह का काम करते हैं वो उससे वो बहुत मज़ा आया. एक बात सच बताऊं, कोई भी इमोशन टच करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये एक यूनिवर्सल इमोशन है जो लॉकडाउन में दिखाया गया है. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसा इमोशन है कि उसके लिए मिलने की ज़रूरत ही नहीं है. इट्स अ यूनिवर्सल ग्लोबल इमोशन. तो मुझे ऐसा लगता है कि फॉर्मेलिटी के तौर पे ज़रूर हम मिले होंगे लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमारा इमेजिनेशन सर के इंस्ट्रक्शंस ये देख के सुन के ही हमने एग्जीक्यूट किया जो करना था. थैंक यू.